हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 का एक प्रीवियस ईयर पेपर, और ये टीयर वन का एक पेपर है जो कि 9/8/2017 को कंडक्ट हुआ था। ये सेट 10 है और इसके पहले के जो सेट्स हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, और इनसे आपको एक फेयर आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये स्पॉटिंग रैंक का क्वेश्चन है, और स्पॉटिंग रैंक के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो माई ब्रदर फाइंड्स, देखिए ये सही है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। माई ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर है तो फाइंड में एस लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है, जो कि सही है। इसके बाद हम देखते हैं टू पास अवे द टाइम। देखिए, पास अवे का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, उसका गुजर जाना, उसको हम बोलते हैं पास अवे। तो यहाँ पर हम टाइम को पास करने की बात कर रहे हैं, इसलिए पास अवे कहना यहाँ गलत होगा, और यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। पास अवे द टाइम के स्थान पर पास द टाइम कहना सही होगा। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा बी। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नो सूनर का। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नो सूनर के बाद हम सबसे पहले वर्ब को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे यहाँ पर नो सूनर लिखा है तो पहले हमने हैड लिखा है और उसके बाद ही लिखा है। ही हैड ना लिखते हुए हमने हैड ही लिखा है, जो कि सही है। तो नो सूनर के बाद निगेटिव वर्ड जब आता है सेंटेंस की शुरुआत में, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, यानी पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। नॉर्मली पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, कोई भी नेगेटिव वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन नो सूनर के बाद हम क्या लगाते हैं, नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं, और देन में भी हम क्या लगाते हैं, THAN देन लगाते हैं। तो ये वैन लगा हुआ है, इसलिए यहां पर गलती है आपकी सी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और ये फिलर का क्वेश्चन है। यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। इसमें यहां पर थोड़ा सा आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। देखिए, यदि आप इफ लगाते हैं यहां पर तो इसका मीनिंग क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप यदि आप ऐसे बोलते हो कि यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसकी जगह यदि आप बोलते हो अनलेस, अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट। ठीक है, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ इफ नॉट, यदि आप दोनों चीज़ें लगा देते हैं, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, मतलब उसमें नॉट भी है और इफ भी है। तो अनलेस को यहाँ पर लगाने का मतलब होगा कि आप बोलेंगे इस सेंटेंस को, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो अनलेस से इसका मीनिंग सही निकल रहा है। ठीक है, और टिल और अनटिल यहां पर नहीं आएंगे। टिल यू, टिल तो हम पॉइंट के लिए बताते हैं, अनटिल हम कंडीशन के लिए बताते हैं। ठीक है, अनटिल एक्चुअली टाइम रिलेटेड कंडीशन के लिए आता है। ठीक है, उसमें हम टाइम बताते हैं, तो ये जो कंडीशन है ये टाइम रिलेटेड नहीं है, ये सिंपल कंडीशन है। इसमें हम बता रहे हैं कि यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो अनटिल यहां नहीं आएगा, अनलेस आएगा, और अनलेस से इसका सेंस भी सही निकल रहा है। तो डी यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंडरेंस द नेशंस डेवलपमेंट। मतलब जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो एक हिंडरेंस है, एक ऑब्स्टिकल है, एक अवरोध है, एक रुकावट है। किस चीज के लिए रुकावट है, नेशंस डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए वो एक रुकावट है। तो हिंडरेंस टू समबडी और समथिंग होता है। हिंडरेंस के बाद हम प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, हिंडरेंस टू समबडी और समथिंग। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, करप्शन इज ए स्टैंडिंग हिंडरेंस टू द नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स आते हैं, दो और दो सिनोनिम आते हैं, दो एंटोनिम आते हैं। लेथार्जी, लेथार्जी का अर्थ होता है आलस, ठीक है, या डलनेस या नींद आना, उसको हम बोलते हैं लेथार्जी। तो ड्राउजी का मतलब भी वही होता है, ड्राउजी का मतलब थोड़ा सा हाफ असलीप, हाफ असलीप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राउजी
आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मॉडेस्ट का अर्थ होता है पोलाइट, प्लेजर का अर्थ होता है खुशी या आनंद, एक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप। तो लेथार्जी का सही सिनोनिम जो होगा वो होगा यहां पर ड्राउजी, इसका आंसर होगा बी। आगे हम देखते हैं हुडविंक। ये वर्ड भी काफी बार रिपीट हुआ है, ये वर्ड बैंक्स में भी काफी बार, बैंकिंग एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है। हुडविंक का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को चीट करना, उसको स्विंडल करना, ठीक है, उसको डिफ्रॉड करना। तो डिफ्रॉड यहां पर सही आंसर होगा। इलिसिट का अर्थ होता है इलीगल, सीक्रेट मतलब गुप्त, और स्टेयर का मतलब किसी व्यक्ति की तरफ घूरना, उसको घूर के देखना, उसको हम बोलते हैं स्टेयर। इसके बाद हम एट लगाते हैं, तो यहां पर सही आंसर होगा इसका हुडविंग का सही आंसर होगा डिफ्रॉड। और इसका चीट भी हो सकता है, ब्लफ भी हो सकता है, स्विंडल भी हो सकता है, SWINDLE। आगे हम देखते हैं यहां पर अपोजिट वर्ड बताना है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब जिसके कई सारे डायमेंशंस हैं, अलग अलग जिसके कई सारे डायमेंशंस हैं। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा सिंपल। सिंपल मतलब जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। एड्रॉइट का अर्थ होता है स्किलफुल, हैंडी का अर्थ होता है यूजफुल, प्लायबल का अर्थ होता है जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु से, उसको हम बोलते हैं प्लायबल। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सिंपल। ट्रेपिडेशन, ये भी अपोजिट वर्ड है। ट्रेपिडेशन का अर्थ होता है नर्वस हो जाना, घबराहट, उसको हम बोलते हैं ट्रेपिडेशन। तो काम जो होगा जिसका अर्थ होता है शांति या शांत, ठीक है, तो उसको काम जो होगा ये इसका एंटोनिम होगा, किसका, ट्रेपिडेशन का। चलिए आगे देखते हैं किक द बकेट। ये इडियम भी काफी बार रिपीट हुआ है SSC एग्जाम में, किक द बकेट। ये एक्चुअली हम प्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, प्री यानी टीयर वन के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो इस तरह के पेपर आपके आएंगे और इस तरह के पेपर में टीयर वन में आप आराम से 25 में से 20-22 मार्क्स तो मिनिमम आप आराम से आप ला सकते हैं। किक द बकेट का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, उसको हम बोलते हैं किक द बकेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, किसी काम को अपने स्वार्थ के लिए या मतलब के लिए करना, उसको हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका हो जाएगा टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। ये मोटिव होगा, ये मोटिवेट नहीं है, मोटिव होगा एक्चुअली ये, ठीक है, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। चलिए आगे देखते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड जो फेज है इसके बाद हम टू लगाते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। ही प्रॉमिस्ड टू मेंड हिज वे, उसने वादा किया कि वो अपने आचरण को, अपने बिहेवियर को सुधार लेगा। ही प्रॉमिस्ड टू मेंड हिज वेज, ये सही है सेंटेंस, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस्ड के बाद यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, और मेंड हिज वेज एक्चुअली एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधारना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आपको, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो डिटरमिन्ड है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका वो बदला लेगा। तो बदला लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम रिवेंजफुल बोलते हैं, और रिवेंजफुल के लिए एक वर्ड और है विंडिक्टिव, ठीक है। एनमिटी मतलब दुश्मनी होता है। निगर हम बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्क स्किन जो व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं निगर। पेडेंटिक मतलब जो बाल की खाल निकालता है उसको हम बोलते हैं पेडेंटिक। पेडेंटिक एक स्टाइल भी होती है राइटिंग में, एक पेडेंटिक स्टाइल होती है, ठीक है। तो विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल, बदला लेने वाला व्यक्ति। और इससे मतलब तो एक वर्ड और होता है विंडिकेट। विंडिकेट के दो मतलब हैं, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना कि ये चीज़ सही है वो होता है विंडिकेट, और किसी व्यक्ति को उसके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उससे फ्री कर देना उसको भी हम बोलते हैं विंडिकेट। लेकिन ये जो वर्ड है ये विंडिक्टिव है, विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है। जस्ट पनिशमेंट, एक किसी व्यक्ति ने एक गलत काम किया है, कोई पाप किया है, तो उसके लिए उसको जो पनिशमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं निमेसिस। प्रोडिजी का मतलब कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसके अंदर काफ़ी टैलेंट है उसको हम बोलते हैं प्रोडिजी। वैगन मतलब कार्ट या गाड़ी को बोलते हैं। डेंडी मतलब खूबसूरत, ठीक है। निमेसिस यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। SSC में आपसे
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनको देख के ही अंदाजा लग जाता है कि ये गलत है, जैसे विशियस सही है, मैटिकुलस सही है, ठीक है, कंटिन्यूअस सही है। जब आप कंटिन्यूअसली रीडिंग करते हैं तो आपके सामने से ये वर्ड्स गुजरते हैं, इनकी स्पेलिंग आपके सामने से गुजरती है और आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कुछ वर्ड्स का तो देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये स्पेलिंग गलत है। जैसे ग्लैमरस की देखिए, GLAMOROUS ग्लैमरस की स्पेलिंग होती है, यानी बी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है और बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहाँ पर भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सेकेंडरी की स्पेलिंग सही है, साइजेबल सही है, सकम सकम की स्पेलिंग सही है। सकम का अर्थ होता है सरेंडर करना, सस्टीनेंस होता है एक्चुअली, SUSTE आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ए आएगा, तो सस्टीनेंस की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सस्टीनेंस का अर्थ होता है नरिशमेंट या सपोर्ट, उसको बोलते हैं सस्टीनेंस। आगे देखिए, ये पैराजंबल है और पैराजंबल में आपको एक सिंपल सा इसमें एक फंडामेंटल होता है कि सबसे पहले कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होता है। ठीक है, उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए फिर बाद में प्रोनाउंस का यूज होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को आप मिला लो, आपका आंसर जल्दी से इसमें आ सकता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ये पूरे पूरे पैसेज को पढ़ें, सारी लाइंस को पढ़ें, ये जरूरी नहीं है। आप एग्जामिनर आपसे केवल आंसर पूछ रहा है, आपसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर टू दोज, ये तो प्रोनाउन है, यहाँ से सेंटेंस नहीं बन सकता। द मोर कम्फर्ट इज ब्रॉथ इन टू द वर्ड द मोर इट इज लाइकली टू बी वैल्यूड, ये सब्जेक्ट लाइन नहीं है, ये एक्सटेंशन है किसी सेंटेंस का, तो ये नहीं बन सकता फर्स्ट सेंटेंस, ये नहीं बन सकता फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा, ये नहीं बन सकता फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से बन जाएगा आपका। कम्फर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स ओन स्प्रेड, और इस कम्फर्ट को रिप्लेस करने के लिए हम इट का यूज करेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर आपका इट से ये सेंटेंस आगे बन जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड, यानी क्यू एस शुरू में आएगा और क्यू एस जो शुरू में है वो है केवल डी में, इसका आंसर होगा डी। इसके आंसर्स को आपको ऐसे निकालना है क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर सिचुएशंस में आपको जो पैसेज मिलेगा वो साहित्यिक होगा, कभी कभी टेक्निकल होगा, उसकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लॉजिक के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ द पैसेज। चाहे आपको मीनिंग उसका समझ में नहीं आए लेकिन लॉजिक आप लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया कि कम्फर्ट एक नाउन है और नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन, ठीक है, तो इसलिए इसके बाद इट आ जाएगा। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, फिर से मैं लॉजिक आपको लगा के बताऊंगा कि देखिए यहां पर दैट प्रोनाउन है, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। करेज नाउन है, यहां से सेंटेंस बन सकता है। ये एक्सटेंशन है, एज से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक इट बिकम्स अ कम्फर्ट जोन, ये एक्सटेंशन है किसी सेंटेंस का। एंड कंजंक्शन है, यहां से नहीं बनेगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है। करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर आर सीक्रेट लाइफ, करेज चाहिए होती है हमारी सीक्रेट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, हिम्मत चाहिए होती है। करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर आर सीक्रेट लाइफ बिकॉज वी मस्ट फर्स्ट विदड्रॉ फ्रॉम द सोशल मिरर वेयर वी आर फेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंटिन्यूसली, ये बात सही है कि हमें कुछ बनना है तो हमें सोशल हमारा जो फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दिए जाते हैं कंटिन्यूसली, वहाँ से निकलना होता है। और इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस जोड़ा, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बोला है, उस सेंटेंस के बाद आप ये वाला सेंटेंस, क्योंकि चूंकि इसमें एंड लिखा है तो ये वाला सेंटेंस आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, यानी क्यू और एस, क्यू और एस का एक पेयर बन रहा है आपका यहाँ पर, क्यू एस क्यू एस क्यू एस आर पी, इसमें क्यू एस का जो पेयर है वो केवल ए में ही दिया है, इसका आंसर होगा ए। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है और इस तरीके से ही यही आपकी सही स्ट्रेटजी है। आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा मतलब निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, सफिशिएंट टाइम है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं उसको। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बहुत सरल होते हैं ये पैसिव वॉइस। देखिए इसमें लाफिंग के बाद जो एट लगा हुआ है प्रपोजिशन, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम हटाएंगे नहीं पैसिव वॉइस में। द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, ठीक है, किड्स हंस रहे थे किस पर, ओल्ड लेडी पर। तो ओल्ड लेडी जो है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ओल्ड लेडी से बनेगा, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसको क्या लिखेंगे, वर बीइंग, बीइंग इसमें हम जरूर लगाएंगे और इस एट को हम हटाएंगे नहीं। यहां पर देखिए द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट, इस एट को हम हटाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो एट जो है वो इसमें है, बी में एट इसमें भी है लेकिन इसमें बीइंग नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें तो एट है ही नहीं तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और इसमें बीइंग नहीं है तो वैसे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये नरेशन का क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट आस्क्ड माई कजिन, ठीक है। तो देखिए टेंस देखते हैं, सबसे पहले टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है, वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन और एक होता है सिंपल यस नो क्वेश्चन, ये यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो जो क्वेश्चन होता है उसमें हम जो कंजंक्शन लेते हैं वो इफ या वेदर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको इसको चेंज करना है। एक तो यहां पर कंजंक्शन जो लेंगे आप इफ या वेदर लेंगे क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। एक वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा क्योंकि ये जो वर्ब है ये पास्ट में है। तो ये सारे बेसिक समझने के लिए नरेशन का, नरेशन के जो वीडियो अवेलेबल हैं आपके पास इस कोर्स में, उनको आप पहले जरूर देखें और उसकी मदद से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे पैरामीटर्स कहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, इस सेंटेंस में फुलफिल हो रहे हैं, माई कजन आस्क्ड मी वेदर और इफ हम लगा सकते हैं, इसमें वॉन्टेड भी लगा है, ठीक है, इसमें दैट लगा है तो ये गलत हो जाएगा। माई कजन सेट टू मी नहीं होगा क्योंकि आस्क है तो सेट टू मी नहीं होगा, इसमें इफ लगा है वॉन्टेड भी लगा है लेकिन सेट टू की वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई कजन आस्क मी, हाँ इसमें वॉन्ट है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सारे पैरामीटर्स डी सेंटेंस में आपके फुलफिल हो रहे हैं कि वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया, आस्क है तो आस्क्ड हो गया, और कंजक्शन की जगह हमने इसमें वेदर लगाया है, तो डी इसमें आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये आपका क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट इसको हम पढ़ते हैं। एन इंडिपेंडेंट एबल एंड अपराइट जुडिशरी इज द हॉलमार्क ऑफ ए फ्री कंट्री, मतलब किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह के शासन व्यवस्था में इंडिपेंडेंट एबल और अपराइट जुडिशरी होती है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, एबल होती है और अपराइट होती है। ये कहाँ पर होती है, ये होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, ऑटोक्रेटिक में नहीं होता क्योंकि ऑटोक्रेटिक तो एक ही व्यक्ति की गवर्नमेंट होती है। तो ये एक हॉलमार्क है, ये एक पहचान है डेमोक्रेसी की कि उसमें जो जुडिशरी होती है, उसमें जो कोर्ट सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट एबल और अपराइट होता है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी अपॉइंटमेंट इज ऑफ, देखिए जुडिशरी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि जुडिशरी में यदि आप गलत लोगों को, यदि आप बेईमान लोगों को भर्ती करेंगे तो वो गलत न्याय देंगे जो कि गलत होगा। इसलिए जुडिशरी अपॉइंटमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जब किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइटल। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इसमें आ जाएगा वाइटल। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, इसमें आप लिख सकते हैं द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो होता है उनका करियर नहीं होता है क्योंकि वो 5 साल के लिए आते हैं, उनका फ्यूचर नहीं होता है। प्लाइट का मतलब होता है बैड कंडीशन, तो सही वर्ड होगा यहाँ पर रोल। द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका इंटरफेरेंस जो होता है जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो कैसा होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, and its interference in the appointment of judges is minimal, which in light of previous is most welcomed. ये एक चीज़ है, ये स्वागत करने योग्य कदम है कि एग्जीक्यूटिव का जो रोल है और एग्जीक्यूटिव का जो जजेस के अपॉइंटमेंट में जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम है। तो ये चीज़ कैसी है, ये स्वागत करने योग्य चीज़ है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वेलकम। आपको थोड़ा पैसेज को समझना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आता है, किस सिचुएशन में हम किस पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा हो सकता है कंटिन्यूस रीडिंग से। यदि कंटिन्यूस रीडिंग करें आप
मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो सकती हैं। डेली 1 घंटा यदि आप पढ़ें तो मोर देन सफिशेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सेट 10 था और इसके जो प्रीवियस सेट्स हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्री एग्ज़ाम में CGL में देखने को मिलेंगे। ये रियल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो 20, 22 और इवन 25 में से 25 क्वेश्चन भी आप आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।